Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Janagar Madam. This is Janagar Madam and you are watching on Janagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's video, we will learn advanced English structure. And today is day 23 advanced English structure. जी हाँ गाइज, आज हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 23 में आ चुके हैं। यदि आप डे 1 से लेके डे 22 तक का वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। जब बोलनी हो गलती से भी मेरे पैसे मत छूना, या तो आप बोल सकते हैं गलती से भी मेरे पैसे को हाथ मत लगाना, गलती से भी मेरा फोन मत चलाना, गलती से भी मुझसे बात मत करना। तो गाइज, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जरूर बोलते हैं, जरूर बोलते भी होंगे। तो गाइस, हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं, बट इसी को जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है, इस तरीके के सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है, तो हम लोग हेजिटेशन करने लगते हैं, घबराने लगते हैं, हेजिटेट होने लगता है। हम लोग सोचने लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि बनाए कैसे, कौन सी स्ट्रक्चर का यूज करें। तो गाइस, आज का जो हमारा फ्रेज है, स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, आप एक बार में समझ जाएंगे। यदि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं गाइस, तो आपको डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में सीखना ही होगा। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, यू हैव टू स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले सारे सेंटेंसेस को एक बार रीड कर लेते हैं, जिसको आज इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ज्यादा सेंटेंस नहीं है, 9 सेंटेंस को ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बने रहिए। जब बोलनी हो गलती से भी मेरे पैसे मत छूना, गलती से भी मेरा फोन मत चलाना, गलती से भी मुझसे बात मत करना, गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना, गलती से भी मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, गलती से भी मेरे पास मत आना, गलती से भी उसके घर पर मत जाना, गलती से भी यहाँ मत खेलना, गलती से भी गलत शब्दों का प्रयोग मत करना। तो गाइज, इन सारे सेंटेंस को अभी सुने हैं, तो एक चीज आप जरूर नोटिस किए होंगे, इन सारे सेंटेंस में एक चीज कमन आया हुआ है, जो कि सेंटेंस के शुरुआत में ही है। गलती से भी, गलती से भी, गलती से भी, सारे सेंटेंस में क्या है, कॉमन है। और उसके बाद क्या है, मेरे पैसे मत छूना। तो गाइज, इस तरीके के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, कैसे बोलिएगा, तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, और इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले जो चीज कॉमन आया हुआ है उसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद उसको स्ट्रक्चर में रखेंगे। तो गलती से भी के लिए हम यूज करेंगे इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी को इंग्लिश में बोलते हैं इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी को आप भूल कर भी बोल सकते हैं। हिंदी में भले ही शब्द डिफरेंट लग रहा है, बट दोनों सेंटेंस का जो सेंस है सेम आ रहा है। जब आपको बोलना हो भूल कर भी, तो आप बोलेंगे इवन बाय मिस्टेक। यदि आप बोलेंगे गलती से भी, तो भी आप क्या यूज करेंगे, इवन बाय मिस्टेक। इस चीज को आपको याद रखनी है, गलती से भी बोलिए या तो भूल कर भी, जब उसके इंग्लिश बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, इवन बाय मिस्टेक। आई होप कि गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर में रख के देखते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको ले लेनी है, और आज का जो हमारा सेंटेंस है
सारे सेंटेंस के एंड में क्या है, ना लगा हुआ है। जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है, मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। देखिए, छू ना, चलाना, करना, पहनना, ओके। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे बोले हैं मेरे पैसे मत छूना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है और इसमें क्या बोल रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मेरे पैसे मत छूना, निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलती है उससे शुरू होता है। बट इसमें सारे सेंटेंस में तो हम मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको डोंट का यूज करना है सारे सेंटेंसेस में, ओके। तो देखिए स्ट्रक्चर में रख के देखते हैं, पहले तो आपको डोंट का यूज करनी है सारे सेंटेंस में। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गलती से भी, या तो आप बोल सकते हैं भूल कर भी, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, इवन बाय मिस्टेक। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी को आपको लास्ट में यूज करनी है। सबसे पहले जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा उसको पहले ले लेनी है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके के सेंटेंस को आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इवन बाय मिस्टेक लगा करके आप इजी वे में बोल सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेंटेंस सब है, सब इम्परेटिव सेंटेंस का है और उसमें भी क्या है, मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो निषेध और मना करने के लिए वर्ड से पहले आपको डोंट का यूज करना होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो गाइज, आप इसमें किसी भी तरीके के सेंटेंस को ऐड करके आप लास्ट में इवन बाय मिस्टेक लगा करके आप बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस का है। जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस को बनानी हो, बोलनी हो, तो आप डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे प्लस इवन बाय मिस्टेक। जब भी गाइज आपको किसी को निषेध करना हो, मना करना हो, जैसे मेरे पैसे मत छूना, मेरा फोन मत चलाना, तो इस तरीके सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से होती है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें तो हम मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, तो निषेध जब भी एक जैसे ही निषेध करते हैं तो डोंट लगा करके सेंटेंस को बनाई जाती है। आई होप कि गाइज ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर को याद रखनी है, जब भी किसी को निषेध करना हो, मना करना हो, तो आप डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप इवन बाय मिस्टेक ऐड करके आप बना सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए सेंटेंस को शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, गलती से भी मेरे पैसे मत छूना, गलती से भी मेरे पैसे मत छूना, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गलती से भी मेरे पैसे को हाथ मत लगाना। सेंटेंस भले ही डिफरेंट लग रहा है बट दोनों सेंटेंस का जो सेंस है सेम आ रही है, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, डोंट का यूज करनी है, क्योंकि मना कर रहे हैं ना, निषेध कर रहे हैं और इम्परेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगी, डोंट, देखिए क्या है हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है, मेरे पैसे मत छूना, यहां पे कंप्लीट सेंटेंस प्लस इवन बाय मिस्टेक भी कर सकते हैं, इस तरीका से भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है क्या है, मेरे पैसे मत छूना, तो डोंट, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म छूना, टच, टच, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पैसे, डोंट टच माय मनी,
माय मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपको क्या ऐड करनी है, इवन बाय मिस्टेक मतलब गलती से भी, या तो आप बोल सकते हैं भूल कर भी। तो क्या हो जाएगी, इवन बाय मिस्टेक। तो गाइज आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी के ऐसे बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश हमें मालूम नहीं होती है, इसलिए आपको बने रहना है। और मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, क्योंकि मैं एक सेंटेंस को दो बार बताऊंगी, फर्स्ट टाइम आपको लिसन करना है एंड सेकेंड टाइम में आपको से अलाउड बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ, और इन सारे सेंटेंसेस को क्या करनी है, अपने डे टू डे लाइफ में यूज करनी है, तब जाके आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगा। डोंट टच माई मनी इवन बाय मिस्टेक, डोंट टच माई मनी इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरा फोन मत चलाना। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है क्या है, मेरा फोन मत चलाना। तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो डोंट का यूज करेंगे, डोंट चलाना यूज, डोंट यूज क्या है, यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा फोन, तो क्या हो जाएगी, माय फोन। डोंट यूज माय फोन, उसके बाद आपको इवन माई मिस्टेक का यूज करनी है, गलती से भी, या तो बोल सकते हैं भूल कर भी। तो क्या हो जाएगी, इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। डोंट यूज माय फोन इवन बाय मिस्टेक, डोंट यूज माय फोन इवन बाय मिस्टेक, मतलब गलती से भी मेरा फोन मत चलाना, या तो फिर आप बोल सकते हैं भूल कर भी मेरा फोन मत चलाना, सेंस सेम ही है। ओके, गलती से भी मुझसे बात मत करना। तो हमारा जो सेंटेंस है कंप्लीट क्या है, मुझसे बात मत करना। तो क्या हो जाएगी, डोंट बात करना, तो क्या हो जाएगी, डोंट टॉक, डोंट टॉक मुझसे, टू मी, डोंट टॉक टू मी, गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक। डोंट टॉक टू मी इवन बाय मिस्टेक, डोंट टॉक टू मी इवन बाय मिस्टेक, मतलब गलती से भी मुझसे बात मत करना। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग तो अपने डे टू डे लाइफ में तो जरूर यूज करते हैं। तो मुझे गाइज उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा, यदि पसंद आई हो तो प्लीज गाइज एक लाइक कर दीजिएगा, एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइज ऐसे ही बने रहिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। ओके, तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखनी है। ओके गाइज, जब भी आपको गलती से भी बोलनी हो या भूल कर भी, तो आप इवन बाय मिस्टेक का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है क्या है, मेरे कपड़े मत पहनना। तो डोंट से शुरू करेंगे क्योंकि हम मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। डोंट पहनना, पुट पुट ऑन, डोंट पुट ऑन मेरे कपड़े, माय क्लॉथ्स। एंड उसके बाद इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक, डोंट पुट ऑन माय क्लॉथ्स इवन बाय मिस्टेक, डोंट पुट ऑन माय क्लॉथ्स इवन बाय मिस्टेक। यहाँ पे गाइस पहनना को आप इंग्लिश से बोलते हैं पुट ऑन, और वेयर भी बोलते हैं,
आप यहाँ पे पुट ऑन के जगह पे आप वेयर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे डोंट वेयर माई क्लॉथ्स इवन बाय मिस्टेक, डोंट वेयर माई क्लॉथ्स इवन बाय मिस्टेक। तो आप पुट ऑन का भी यूज कर सकते हैं और वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे, आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, गलती से भी मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या है, मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। तो इसकी इंग्लिश पहले लेनी है तो क्या हो जाएगी, डोंट, क्या है, कोशिश करना, तो क्या हो जाएगी, ट्राई, ट्राई टू, क्या है, फोन करने की। ओके मुझे, ओके तो क्या हो जाएगी, कॉल मी, डोंट ट्राई टू कॉल मी, गलती से भी इवन बाय मिस्टेक। अब डोंट ट्राई टू कॉल मी इवन बाय मिस्टेक, डोंट ट्राई टू कॉल मी इवन बाय मिस्टेक, मतलब गलती से भी मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, डोंट ट्राई टू कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। यहाँ पे गलती से भी के जगह पे आप भूल कर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे भूल कर भी मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। तो आप कैसे बोलेंगे, डोंट ट्राई टू कॉल मी इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरे पास मत आना। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस क्या है, मेरे पास मत आना, तो क्या हो जाएगी, डोंट आना, आना कम, डोंट कम मेरे पास, तो क्या हो जाएगी, नियर मी, नियर मी। एंड उसके बाद गलती से भी इवन बाय मिस्टेक। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, आपको बस आपको स्ट्रक्चर को याद रखनी है। ओके पहले तो आपको कंप्लीट सेंटेंस लेनी है, उसके बाद इवन बाय मिस्टेक का यूज कर देनी है। ओके तो बहुत ही इजी है। आज का जो हमारा सेंटेंस है सब इम्परेटिव सेंटेंस का है, उसमें भी निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो डोंट से शुरू कर रहे हैं। ओके और इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्टिंग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर। गलती से भी उसके घर पर मत जाना, तो उसके घर पर मत जाना, डोंट जाना, गो टू उसके घर पर, हीज हाउस, डोंट गो टू हीज हाउस मतलब उसके घर पर मत जाना, डोंट गो टू हीज हाउस, गलती से भी मतलब भूलकर भी इवन बाय मिस्टेक। डोंट गो टू हीज हाउस इवन बाय मिस्टेक, डोंट गो टू हीज हाउस इवन बाय मिस्टेक। यदि लड़की होगी तो आप यहाँ पे हर का यूज करेंगे, जैसे डोंट गो टू हर हाउस इवन बाय मिस्टेक। आई होप कि गाइज मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही होगी, यदि पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड लोग भी इंग्लिश सीख पाए। ओके गलती से भी यहां मत खेलना। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है क्या है, यहां मत खेलना, डोंट प्ले, डोंट प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है यहां, तो क्या हो जाएगी, हियर। ओके
डोंट प्ले हियर, गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक, डोंट प्ले हियर इवन बाय मिस्टेक, डोंट प्ले हियर इवन बाय मिस्टेक, मतलब भूल कर भी यहां मत खेलना, ओके आप गलती से भी बोल सकते हैं, भूल कर भी बोल सकते हैं, दोनों का सेंस जो है सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, ओके उसके बाद गलती से भी गलत शब्दों का प्रयोग मत करना, तो क्या हो जाएगी, क्या है गलत शब्दों का प्रयोग मत करना, डोंट, उसके बाद वर्ब क्या है प्रयोग करना, यूज, गलत शब्दों का, रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स, डोंट यूज रॉन्ग वर्ड्स, गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक, डोंट यूज रॉन्ग वर्ड्स इवन बाय मिस्टेक, डोंट यूज रॉन्ग वर्ड्स इवन बाय मिस्टेक, गाइज नाउ योर टर्न, अब आपकी बारी है, तो मैं आप सबको होमवर्क दे रही हूं, दो सेंटेंस दे रही हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, गलती से भी उसके साथ मत जाना, गलती से भी उसके साथ मत जाना, एंड सेकेंड सेंटेंस है गलती से भी दूसरों की बातों पर विश्वास मत करना, गलती से भी दूसरों की बातों पर विश्वास मत करना, आप यहां पे भूल कर भी बोल सकते हैं, जैसे भूल कर भी दूसरों की बातों पर विश्वास मत करना, भूल कर भी उसके साथ मत जाना, तो गाइस दीज टू सेंटेंसेस आर फॉर यू, सो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स, सो गाइस हाउ डिड यू लाइक आवर वीडियो, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल देन प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।